बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने आज कलंदर नगर के कोविड टीका अंदाजी मरकज का दौरा किया। उन्होंने टीकों की सूरत हाल का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगरचे के कोविड की वजह से कम जाने जा रही हैं, लेकिन आज भी ये वायरस है, इसकी मुकम्मल रोकथाम की ज़रूरत है। इस सिलसिले में बहादुरपुरा, सईदाबाद, चारमीनार और बंडलागुड़ा मंडलों के अवाम को चाहिए कि वो कोविड टीका लें। उन्होंने कहा कि 18 बरस से ज़ायद उम्र के तमाम अफराद कोविड का टीका लें। उन्होंने कहा कि इन चार मंडलों में 355,628 अफराद को अभी दूसरा डोज लेना बाकी है। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर्स घरों पर आ रहे हैं, उनसे ताउन किया जाए और हुकूमत के इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के सिलसिले में हेल्थ वर्कर्स के साथ मुकम्मल तौर पर ताउन ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम अहमद पाशा नदवी साहब, रुकन असेंबली, कलेक्टर असेंबली आफतपुरा, जनरल कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जनाब अकबर साहब, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट और तमाम हेल्थ के जिम्मेदार ऑफिसर्स, मौजूद हाजिर इकराम, आज का ये इजलास असेंबली आफतपुरा के कलंदर नगर के इस कम्युनिटी हॉल में इसलिए मुनाकिद किया गया है कि आप तमाम हजार से गुजारिश की जाती है कि कोविड को रोकने के लिए ये बेहद जरूरी है कि हम और आप कोविड के दोनों डोज लें, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो। जब तक आप दो डोज नहीं लेंगे, आप अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। आप अपने घर में, आपके अफराद खानदान या आपके माँ बाप या आपकी औलाद रहती है, आप उनको भी खतरे में डाल रहे हैं। और अतराफ वकनाफ के महले जात में जो लोग रहते हैं, इन सब को अगर आप कोविड का पहला डोज या दो डोज नहीं लेंगे तो खुदा ना खास्ता हो सकता है कि ये कोविड का वायरस आप तक आएगा और फिर आपके अफराद खानदान को मुतासर करेगा और फिर महल्ले में भी कई और आपके इलाके में कई लोग सहन से मुतासर हो सकती है। दूसरी अहम बात यह है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि कोविड का वायरस हमेशा के लिए खत्म हो गया, ये बात बिल्कुल गलत है। आज भी लोग कोविड से वायरस उनको हो रहा है, मुतासर हो रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि पहले के बनिस्बत उसका नंबर बहुत कम हुआ है, आज भी लोग उनका इंतकाल हो रहा है, ये बात बिल्कुल सही है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से कम लोगों की कोविड वायरस के जरिए से उनकी जान जा रही है, मगर आज भी ये वायरस है और इसके मुकम्मल रोकथाम के लिए मैं खास तौर से बहादुरपुरा मंडल, सईदाबाद मंडल और आपके चारमीनार मंडल और बल्लागुड़ा मंडल के इन चार मंडल में रहने वाले तमाम जिम्मेदारों से, यहाँ के इस चार मंडल में रहने वाले तमाम हजरात से, खवातीन से और 18 साल से जो ज़्यादा उम्र के नौजवान हैं, बुजुर्गों से अपील कर रहा हूँ कि आप ये दूसरा अपना वैक्सीन ले लीजिए, क्योंकि अभी भी इन चार मंडल में 355,628 लोगों को दूसरा डोज लेना है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इन चार मंडल में रहने वाले तमाम लोगों से अपील है कि आप लोग अपना दूसरा डोज लीजिए, चाहे कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो। आपके घर तक आशा हेल्थ वर्कर्स आ रहे हैं, आप उनसे ताउन करिए, इंजेक्शन वायरस का जो इंजेक्शन लीजिए। और अगर आपसे कोई टेलीफोन नंबर पूछा जाता है तो गलत नंबर मत दीजिए, क्योंकि अगर आप पहला डोज लिए हैं या ले रहे हैं
तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो जो वक्त है 60 डेज का, 84 डेज के बाद दूसरा डोज आपको देने, वो खुद आएंगे और हुकूमत की तरफ से हर घर पर जाकर कोविड वैक्सीन के लिए आपके घर तक के तमाम हेल्थ के जिम्मेदारान, सेहत के जिम्मेदारान आपके घर पर आएंगे, आपको कोविड का वैक्सीन देंगे। आप बराए मेहरबानी इनसे ताबून करिए, इस डोज को लीजिए, अपनी जान को बचाइए, अपनी सेहत को अच्छा रखिए और इस वायरस को खत्म करिए। मैं आपको यही बताना जरूरी समझता हूँ कि यूरोप में, रशिया में कोविड तेजी से फैल रहा है। आप देख सकते हैं इंटरनेट पर जाकर कि आज भी रशिया में रोज 700 से ऊपर लोगों की मौत हो रही है। यूरोप में, ऑस्ट्रिया में, जर्मनी में अचानक वहां पर कोविड फैल रहा है। और दुनिया में जब किसी ममालिक में कोविड फैलता है तो खुदा ना खास्ता ये फैलते फैलते दूसरे मुल्क में जाता है, फिर खुदा ना खास्ता हमारे मुल्क तक ना आ जाए। इसीलिए अपने आप को बचाइए और आप ये जो बुजुर्ग हैं, जो जयीफ हैं, जो डायबिटिक हैं, जिनको कल्ब की अमराज में मुबतला हैं या दूसरे उनको बीमारियां हैं, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप खास तौर से ये वैक्सीन लीजिए। मैं और मजलिस के तमाम जिम्मेदारों ने अल्हम्दुलिल्लाह दो दो वैक्सीन ले चुके हैं। और आप जानते हैं कि जब पहला वैक्सीन देने का सिलसिला शुरू हुआ, सबसे पहले मैं खुद जाकर वैक्सीन लिया ताकि आप लोगों तक भी पैगाम पहुंच सके, ताकि आप लोगों के दिलों में अगर खुदा ना खास्ता कोई गलत फहमी है या कोई शुकू को शुभात है उसको दूर किया जाए। मैं इस सिलसिले में तमाम कौम और मिल्लत के, सोसाइटी के, माशरे के जिम्मेदारों से अपील करूंगा कि वो इन हजरात से, आवाम से अपील करें कि अगर वो पहला डोज नहीं लिए तो पहला डोज लें, और अगर पहला डोज ले लिए दूसरा डोज उनको लेना है कोविशील्ड और कोवैक्सीन का, और 84 डेज हो चुके हैं तो फौरन दूसरा डोज लें। हम तमाम की जिम्मेदारी है कि हम अपने शहर को, अपने रियासत को, अपने मुल्क को इस वबा से बचाएं, ताकि वो जो दूसरी कोविड की सेकेंड वेव में आप और हमने देखा कि कैसे लोगों की मौत हो रही थी, कैसे अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन की कमी थी, दवाओं की कमी थी, तो खुदा ना खास्ता, लाखों बार खुदा ना खास्ता ये हम दोबारा उस मोड़ पर ना चले जाएं। इसीलिए आप तमाम से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, बहैसियत रुकने पार्लियामान हैदराबाद के, बहैसियत एक जिम्मेदार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, बहैसियत एक माशरे के, एक और मुल्क के शहरी होने के नाते मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि कोविड का दूसरा वैक्सीन लीजिए। और हल्फे हैदराबाद के पार्लियामानी हल्फे में जहाँ कहीं भी आशा के हेल्थ वर्कर्स आपके घर पर आएंगे, जा चुका है सेकेंड डोज हैदराबाद जिले में 21,50,821 लोगों को दिया जा चुका है। तो कोविशील्ड और ये पहले और दूसरे डोज लेने वालों की तादाद 40,61,77 है, और जो कोवैक्सीन जो दो डोज ले चुके हैं हैदराबाद जिले में, डिस्ट्रिक्ट में, उनकी तादाद 13,01,255 है। तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा है, इतने लोगों ने ले लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो माबाकी बचे हुए हैं, खास तौर से चार मीनार मंडल में, सईदाबाद मंडल में, बदलापुरा मंडल में, बहादुरपुरा मंडल में, जो 3,55,628 लोगों को अपना दूसरा डोज लेना है, मेरी आपसे गुजारिश है कि इसमें ताबून करिए, दूसरा डोज ले लीजिए और ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। हाँ, नंबर बराबर गिरे हैं, इसलिए गिरे हैं कि आपने पहला डोज किया था, अब इसका मुकम्मल इसकी रोकथाम के लिए जरूरी है कि आप दूसरा डोज भी लें, और अगर जो पहला डोज नहीं लिए वो भी ले लें। और ये पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर हैदराबाद जिले के हमारे तमाम हेल्थ के जिम्मेदारान, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर, हैदराबाद कलेक्टर, जीएचएमसी,
और मुतालिका अराकीन असेंबली और जिम्मेदारान पूरी मेहनत कर रहे हैं, इसमें आप अपना ताबुन पेश करिए। शुक्रिया। वाह।